और इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी, आपको बता दें गाजीपुर में बम प्लांटिंग पर ये बहुत बड़ा अपडेट है। अनुपम नाम के शख्स ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह ठीक 10:19 पर इन्फॉर्म किया गया था, बम प्लांटिंग वाली जगह पर खड़ी थी अनुपम की स्कूटी। तो अनुपम नाम का वो शख्स है जिसने सुबह 10:19 पर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके इन्फॉर्म किया था अनुपम की जो स्कूटी है वो बम प्लांटिंग वाली जगह पर ही थी, उसी गेट के पास खड़ी हुई थी। और अब आपको उस चश्मदीद से मिलवाते हैं जिसने मंडी में ये बैग देखा था। आज राजधानी दिल्ली की गाजीपुर मंडी दहलते दहलते बची, हजारों की जान जाते जाते बची, भयंकर हादसा होते होते टल गया। गाजीपुर मंडी में विस्फोटक डिफ्यूज किया गया। दरअसल गाजीपुर मंडी में पहले संदिग्ध बैग दिखा, इस संदिग्ध बैग में आईईडी रखा था। लोगों ने लावारिस बैग देखकर पुलिस को सूचना दी, वहां एक चश्मदीद भी मौजूद था। हमारे संवाददाता ने चश्मदीद से भी बात की। तो मेरे पास कस्टमर आया, उसने जो भी थोड़ा बहुत सामान लिया, सामान लेने के बाद वो अपनी गाड़ी लेके चलने के तैयार हुआ। उसने कहा एक किसका बैग रखा है, उसने बैग उठा के एक साइड में रख दिया, बैग उठा के वो कस्टमर चला गया। तब बैग खोला तो उसके भीतर आपको क्या दिखाई दिया? उसके भीतर हमें तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन किसी ने कहा कि इसके अंदर टिफिन है, ये है, हमें तो दिखा नहीं उसके अंदर। इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने विस्फोटक एक्ट और दूसरी धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है। आसपास के तमाम CCTV फुटेज को चेक कर जांच की जा रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।